नमस्कार, मैं अनुल चटर्जी फिर एक बार आपके सामने मेरा थर्ड म्यूज़िक लर्निंग वीडियो लेकर। पहले भी मैं दो म्यूज़िक लर्निंग वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल से, जिनको आपने बहुत प्यार से सुना और पसंद भी किए। मुझे आपके सब कमेंट से ये पता चला, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत लोग ऐसे मैसेज किए हैं कि शुद्ध स्वरों के साथ कोमल और तीव्र स्वर का कैसे प्रैक्टिस किया जाए, इसके बारे में अगर कुछ चर्चा हो तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल। तो उसको ध्यान रखते हुए मैं आज की वीडियो उसी टॉपिक में बना रहा हूँ कि हम लोग शुद्ध स्वर तो गाते हैं लेकिन कोमल और तीव्र स्वर का प्रैक्टिस उतना नहीं होता है जितना शुद्ध स्वर का होता है। तो क्या क्या प्रैक्टिस करें ताकि शुद्ध और कोमल और तीव्र, ये तीनों टाइप का स्वर ही इक्वली हमको समझने को मिले, देखने को मिले, और वी कैन ट्राई सिंगिंग दैट। तो इसी टॉपिक में जो पहले मैं बोलूँगा कि वी हैव सेवन प्योर नोट्स, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा। सा इज द कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ द लोअर सा, सो सा रे गा मा पा धा नी, ये सात स्वर है। ये शुद्ध स्वरों में रे गा मा धा और नी, ये पांच स्वर का दो दो करके वेरिएशन है, और सा एंड पा ये दोनों फिक्स्ड है। इसलिए सा और पा ये दोनों स्वर को बोलते हैं अचल स्वर, और बाकी पांच जो स्वर है रे गा मा धा नी, इसको बोलते हैं चल स्वर, यानी कि इसका वेरिएशन से मिलता है। ये जो पांच चल स्वर है इसमें दो डिविशंस है, एक को बोलते हैं कोमल और एक है तीव्र। कोमल मीन्स सॉफ्ट। तो जिस जिस स्वर का वेरिएशन ओरिजिनल या शुद्ध स्वर से नीचे रहता है, सॉफ्ट रहता है, उसको हम बोलते हैं कोमल स्वर, और जिस स्वर का वेरिएशन शुद्ध स्वर से ऊंचा रहता है यानी कि तीव्र रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तीव्र स्वर। सो कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो हम देखेंगे ये सा टू सा, इसमें से रे गा और धा नी, ये चार स्वर का जो वेरिएशन है वो ओरिजिनल स्वर से नीचे है, यानी कि शुद्ध रे शुद्ध गा शुद्ध धा कोमल नी, इसके साथ साथ हमको मिलता है कोमल रे कोमल गा कोमल धा कोमल नी। बस एक रह गया माँ, इसका वेरिएशन शुद्ध स्वर से ऊंचा है, इसलिए जो वेरिएशन माँ की मिलती है उसको हम बोलते हैं तीव्र माँ तीव्र मध्यम। तो ऑर्डर क्या हुआ, सा कोमल रे शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध गा माँ तीव्र माँ पा कोमल धा शुद्ध धा कोमल नी शुद्ध नी सा, और लौटते वक्त सा शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध धा कोमल धा पा तीव्र माँ शुद्ध माँ गा कोमल गा शुद्ध रे कोमल रे सा। तो यह है ऑर्डर। अभी गा के हम समझाते हैं कि शुद्ध स्वर मैंने गाया कि सा रे गा मा पा धा नी सा। अभी सा रे ये शुद्ध रे, इससे थोड़ा नीचे आओ तो कोमल रे मिलेगा। तो सा रे गा ये शुद्ध गा, इससे थोड़ा नीचे आए तो कोमल गा। देन सा रे गा मा पा धा, ये धा हुआ शुद्ध धा, शुद्ध धा से थोड़ा नीचे आए तो ये कोमल धा। देन सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध नी से थोड़ा नीचे आए कोमल नी। तो ये है कोमल स्वर की पोजीशन। तो सा रे तो सा कोमल रे, इसको हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि सा के साथ इनका
डिस्टेंस हम मेजर करेंगे और शुद्ध नोट की जो पोजीशन है उसी के हिसाब से हम देखेंगे कोमल स्वर कहाँ है। जैसे कि सा रे तो सा कोमल रे, इसको हम ताल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि सा टू थ्री फोर शुद्ध रे सा कोमल रे सा शुद्ध गा सा कोमल गा। तो रे और गा ये दोनों हमने प्रैक्टिस किया सा की रेस्पेक्ट से और एक एक नोट चार बीट करके। धा और नी, कोमल धा और कोमल नी, वो हम प्रैक्टिस करेंगे पा के रेस्पेक्ट से, क्योंकि सा और पा ये दोनों ही फिक्स्ड है। तो सा से हम करेंगे रे गा का, पा से करेंगे धा नी का। तो पा धा पा कोमल धा पा शुद्ध नी पा कोमल नी पा सा, यह है कोमल स्वर का प्रैक्टिस। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑर्डर कैसे जाएंगे, कि सा रे सा कोमल रे। एंड आई विल सजेस्ट कि इनिशियली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू स्पीक एज कोमल रे, ये कोमल रे बता के गाइए, ताकि आपको शुद्ध रे और कोमल रे में फर्क और भी साफ दिखे। फिर जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब रे रे अलग से बोलेंगे, तो उसमें हम पहचान जाएंगे कि ये शुद्ध रे है और ये कोमल रे है। इनिशियली खुद को समझाने के लिए कोमल रे हम प्रोनाउंस करके रियाज करेंगे। तो सा रे सा कोमल रे सा गा सा कोमल गा सा मा सा पा पा धा पा कोमल धा पा नी पा कोमल नी पा सा। तो ऐसे अभी हम लौट के भी देखेंगे कि पा सा पा शुद्ध नी पा कोमल नी पा शुद्ध दा पा कोमल दा तन सा पा सा मा सा गा सा कोमल गा सा रे सा कोमल रे सा। तो अभी ये बस हम कोमल स्वर के बारे में बोला, और तीव्र जो एक ही है माँ की तीव्र पोजीशन, उसको हम सा से भी जांचेंगे और पा से भी जांचेंगे। ये माँ से थोड़ा तीव्र है और पा से थोड़ा नीचे, तो सा मा सा तीव्र मा
तो तीव्र मा का रियाज हम अलग से एक बार सा से करेंगे और एक पंचम से, सा मा सा तीव्र मा पा तीव्र मा एक्सेट्रा। तो दिस इज द प्रैक्टिस टू मॉनिटर द कोमल स्वर्स विद द रेस्पेक्ट ऑफ द शुद्ध स्वर। अभी क्या होता है, अगर इसको हम मॉनिटर कर लिए, फिर हम पूरा एक के बाद एक, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिकली, मतलब सा के बाद कोमल रे, फिर शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, ऐसे हम गाएंगे, सीधा गाएंगे सा से सा तक, फिर ऊपर की सा से नीचे तक आएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसे सवाल हो सकता है कि मुझे कैसे मालूम होगा कि एग्जैक्टली तीव्रमा कहाँ है, कोमलना कहाँ है, कोमलनी कहाँ है, कॉन्फ्यूजन हो सकता है इनिशियली। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले जब ऐसे कॉन्फ्यूजन हो, देन यू टेक द हेल्प ऑफ द हारमोनियम, हारमोनियम बजा के आप सुन लीजिए कि कैसा है ये, कोमलनी कैसे है, शुद्धनी कैसे है, कोमलनी कैसे, बजा के थोड़ा सुन लीजिए, फिर उसके साथ दो चार बार गा लीजिए। लेकिन फाइनली जब प्रैक्टिस करेंगे, डोंट प्ले द हारमोनियम वाइल सिंगिंग, तब जाके आपको एक एक स्वर का सही पहचान होगा। नहीं तो हारमोनियम बजा के करेंगे, लगेगा कि हाँ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ हेल्प नहीं होता है। जब हारमोनियम हट जाता है, तब कॉन्फ्यूजन और प्रॉब्लम जो होना है वो रह ही जाता है। तो इसलिए समझने के लिए आप हारमोनियम की हेल्प लीजिए, लेकिन रियाज करने के लिए डोंट प्ले हारमोनियम एट ऑल। जैसे कि हम अभी तानपुरा के साथ ही गा रहे हैं, हम थोड़ी ना हारमोनियम बजा रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत लोग हारमोनियम बजा के प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन उससे हेल्प नहीं होता, वो एक हारमोनियम के ऊपर डिपेंडेंस बन जाता है। सो डोंट डू दैट। तो नाउ विल सिंग क्रोमैटिकली, लाइक सा कोमल रे कोमल गा शुद्ध गा मा तीव्र मा पा कोमल धा शुद्ध धा कोमल नी शुद्ध नी सा देन सा शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध दा कोमल दा पा तीव्र मा शुद्ध गा कोमल गा रे कोमल रे सा। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा, तो इसका स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे रे सा। अब जब ये हो जाएगा, देन यू थिंक ऑफ एनी प्रैक्टिस। जैसे कि हम शुद्ध स्वर में गाते हैं सा रे गा मा पा मा पा धा, ये हम शुद्ध स्वर में गाते हैं, इसको क्रोमेटिकली हम गाएंगे। ऐसे के सा कोमल रे शुद्ध रे देन कोमल रे शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध गा कोमल गा शुद्ध गा मा शुद्ध गा मा तीव्र मा शुद्ध मा तीव्र मा पा कोमल दा पा कोमल दा शुद्ध दा कोमल दा शुद्ध दा कोमल नी शुद्ध दा कोमल नी शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध नी सा। तो सा रे रे गा 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 मा गा मा 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 पा मा पा दा पा दा 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 नी 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 सा सा नी 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 दा नी दा 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 पा दा पा मा पा मा 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 गा मा गा 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 रे गा रे 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 सा। तो सारे गा मा अगर करेंगे तो सा रे गा मा गा गा मा मा गा मा मा पा मा मा पा दा मा पा दा दा पा दा दा नी दा नी नी सा सा नी नी दा नी नी दा दा नी दा दा पा मा दा पा मा मा पा मा मा गा मा मा गा गा मा गा गा रे रे सा। ये थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे इसको आसानी से कर सकते हैं।
देखना है, बस मन की आंखों से इसको देखना पड़ेगा, तब जाके ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ भी बोलेंगे, जो चाहे बोलेंगे स्वर, वही आप गा सकते हैं। जैसे पा सा नी सा पा नी दा मा दा पा मा गा मा पा गा मा गा 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 मा रे मा रे रे सा सा गा 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 मा रे रे सा रे पा मा पा दा 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 नी 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 दा दा सा पा दा दा नी पा दा मा पा गा गा मा मा रे रे सा। कोशिश करके देखिए, आप जितना हद तक सोच सकते उसी हद तक रियाज कीजिए, और इसके ऊपर एक कमेंट, इससे ऊपर एक मास्टरी आप अचीव कीजिए, देन द होल वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज ये 12 स्वर के बाहर कुछ नहीं है। सो यू प्रैक्टिस देम एंड अचीव द एक्सीलेंस। थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ जानने का इच्छा हो, यू कैन राइट मी इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गेट बैक, और यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो दैट whenever I post something, whenever I share some techniques, share some musical thoughts, so that you can get notified. Thank you so much. अगले हफ्ते और एक म्यूजिक लेसन लेकर मैं आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।